सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर ऊपर की साइड में दोस्तों आप सबसे पहले तो दोस्तों आप यहां पर लाइव प्रूफ देख लीजिए पूरे दोस्तों 1,68,000 रुपए की भाई मेरे को यहां पर लिमिट मिली है। और भाई लिमिट जो मेरे को मिली है विदाउट इनकम प्रूफ विदाउट दोस्तों यहां पर सैलरी स्लिप भाई मेरे को यहां पर लिमिट देखने को मिली है। यहां पर दोस्तों इस जो एप्लीकेशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस लोन एप्लीकेशन दोस्तों आपको 100% आपको यहां से लोन मिलने वाला है। और भाई वो भी दोस्तों यहां पर विदाउट सैलरी स्लिप विदाउट दोस्तों आपका यहां पर इनकम प्रूफ आपको कोई भी यहां पर बैंक स्टेटमेंट नहीं देना है किसी प्रकार का दोस्तों आपको यहां पर इनकम प्रूफ नहीं देना है। भाई यहां पर जो एप्लीकेशन होने वाली है आपने सभी ने यहां पर यूज की होगी 100% यूज की होगी। भाई जो एप्लीकेशन आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं भाई बिल्कुल जेन्युइन एप्लीकेशन यहां पर होने वाली है। जेन्युइन क्या भाई 100% आपको यहां पर लोन मिलने वाला है। भाई मेरे को यहां पर पूरे के पूरे दोस्तों 1,68,000 रुपए की मेरे को यहां पर लिमिट मिल चुकी है। आप दोस्तों यहां पर देख पा रहे हो कि ऐसे में यहां पर कैसा स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और कैसे यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो भाई आप यहां पर थोड़ा मैनेज कीजिए क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है कि इस जो लोन एप्लीकेशन यहां पर होने वाली है इसमें दोस्तों यहां पर स्क्रीनशॉट अभी अलाउ नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। तो भाई इस वजह से दोस्तों मैंने यहां पर फोटो खींच खींच के आपके लिए दोस्तों यहां पर लाइव प्रूफ बिल्कुल आपको यहां पर करके दिखाने वाला हूं। भाई मेरे को यहाँ पर पूरे 1,00,000 यहाँ पर 68,000 रुपए की लिमिट मिल चुकी है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर KYC कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों KYC आपके सामने मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पर दोस्तों लाइव प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा। अगर भाई आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ मैंने करके नहीं दिखा तो भाई अभी के अभी यहाँ पर अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और भाई डिसलाइक कर देना मेरे वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों जो लिमिट मेरे को मिलने वाली है 1,68,000 रुपए की भाई यहाँ पर मेरे को लिमिट मिल चुकी है 18 महीने या फिर यहाँ पर 24 महीनों के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर टर्नओवर रख सकता हूँ। जो मेरे भाई यहाँ पर EMI होने वाली है 11,144 रुपए की मेरी यहाँ पर EMI होने वाली है अगर भाई मैं उसको यहाँ पर टर्नओवर रखता हूँ 18 महीने के लिए। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार लोन एप्लीकेशन होने वाली है बिल्कुल दोस्तों आपको 100% आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। कैसे मिलेगा कैसे दोस्तों आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम क्या होने वाला है पूरा प्रोसेस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको यहाँ पर फॉलो करना है। जैसे जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वैसे वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर कर देना है। और भाई अगर भाई आपके पास में कोई भी सैलरी स्लिप किसी प्रकार का आपके पास में इनकम प्रूफ नहीं है तो भी दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का आपको दोस्तों यहाँ पर 100% आपको यहाँ से लोन मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है वो दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना वीडियो चेयर लाइक कर देना। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो अगर भाई अभी तक भी आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई नीचे की साइड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की जल्दी जाकर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि आपको वहाँ पर नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं एप्लीकेशन का आपको अबाउट अवर्ड सेक्शन यहाँ पर कुछ भी आपको यहाँ पर चेकआउट करके बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन चलाई हुई है आपकी यहाँ पर यूज की हुई एप्लीकेशन है एप्लीकेशन अगर भाई आप समझ चुके हो तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। अभी दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम बताने वाला हूँ। जैसे ही भाई मैंने यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर पॉपअप मैसेज शो हो गया भाई मैंने यहाँ पर ओपन किया। जैसे ही मैंने ओपन किया मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन आ चुका था 1,73,000 रुपये का। मैंने सोचा भाई इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं क्या पता कि ये मेरे को यहाँ पर लिमिट मिल जाए। भाई मैंने इसको यहाँ पर किया यहाँ पर गेट नाउ पर मैंने यहाँ पर किस पर किया क्लिक। जैसे भाई क्लिक किया मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर डालनी पड़ेगी जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है पर्सनल लोन दोस्तों ऊपर की साइड में यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर सैलरीड हो या फिर क्या वो दोस्तों आपको यहाँ पर चूज करना है। तो भाई मैंने यहाँ पर क्लिक किया जैसे ही क्लिक किया मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अगर भाई आप सैलरीड हो तो भाई यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर भाई आप सेल्फ एम्प्लॉय हो यानी कि आप खुद से यहाँ पर डॉक्टर वगैरह हो CA वगैरह हो तो भाई आप यहाँ पर क्लिक करना है। अगर भाई आप यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर चलाते हो या फिर दोस्तों आप किसी प्रकार से यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग करते हो तो भाई उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर भाई आप यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं हो किसी प्रकार का आप सेल्फ एम्प्लॉय नहीं हो किसी प्रकार की आपके पास में यहाँ पर इनकम सोर्स नहीं है तो भाई आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मेरे केस में दोस्तों मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ पर यूट्यूब से पैसा आता है तो भाई मैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग और भाई यहाँ पर अदर पर क्लिक कर दूंगा। मैंने यहाँ पर कर दिया है क्लिक। जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको नीचे की साइड में डन का ऑप्शन दिख रहा है डन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जो मेरी इनकम है वो अदर सोर्सेस में आती है जैसे कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कन्फर्म पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। जैसे ही वेट करोगे आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में लिखा हुआ आ चुका है क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू। यहाँ पर दोस्तों मेरे लिए यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट ऑफर यहाँ पर निकल कर आएगा जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे।
यहाँ पर दोस्तों जो ये एप्लीकेशन होने वाली है, इस एप्लीकेशन में आपका आधार कार्ड भी लगा हुआ होगा और भाई आपका यहाँ पर पैन कार्ड भी लगा हुआ होगा। जैसे कि दोस्तों मेरे केस में मैंने यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पर कंप्लीट कर रखी थी। भाई ये मेरे को यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर जो भी मेरा ऑफर शो होगा वो दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट कर क्लिक कर देना है। भाई मेरे को यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर वेट करना है। जैसे ही वेट कर लेता हूँ भाई मेरे पास में यहाँ पर जो लिमिट मेरे को मिली है, भाई मेरे यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा आंखों के सामने। भाई मेरे को यहाँ पर जो लिमिट मिली है विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट दोस्तों यहाँ पर सैलरी स्लिप, मेरे पास में जो लिमिट निकल कर आई है 1,68,000 रुपए की लिमिट निकल कर आई है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लाइव प्रूफ मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं। यहां पर दोस्तों जो एप्लीकेशन यहां पर होने वाले है, पेटीएम लोन एप्लीकेशन यहां पर होने वाली है। अगर भाई आप यहां पर पेटीएम यूज़ करते हो तो भाई वही एप्लीकेशन यहां पर यूज़ होने वाली है। पेटीएम ने दोस्तों यहां पर हाल फिलहाल में एक यहां पर दोस्तों यहां पर ऑफर निकाला हुआ है कि वहां पर आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई किया और भाई मेरे पास में जो लिमिट निकल कर आई है 1,68,000 रुपए की लिमिट निकल कर आई है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर KYC आपको वेरिफिकेशन करवाना है, बैंक यहाँ पर डालनी है बैंक डिटेल और भाई आपका जो लोन होगा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विद KYC पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। भाई जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जो भी मेरे KYC वैसी है, वैसे दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसमें कंप्लीट कर रखा है क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर पेटीएम में लगी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पर दोस्तों मेरी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है KYC, जो भी मेरी KYC है वो दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई की जा रही है। मैं यहाँ पर कुछ वेट कर लेता हूँ। भाई यहाँ पर मेरी यहाँ पर KYC वेरीफाई हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी सेल्फी डालनी है। जो भी आपकी यहाँ पर सेल्फी होगी वो दोस्तों यहाँ पर आपकी लाइव जाने वाली है। तो भाई मैं यहाँ पर सेल्फी भी यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। भाई मेरी यहाँ पर KYC वेरीफाइड हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर KYC वेरीफाइड हो चुकी है, यहाँ पर ऊपर आ भी चुका है कि आपकी जो KYC है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी है। नीचे की साइड में आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रोसीड पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मेरे केस में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। भाई मैंने यहाँ पर प्रोसीड पर कर दिया है क्लिक। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका इनकम सोर्सेज है वो दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है। अगर अभी आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज दोस्तों अगर नहीं डालना चाहते हो तो भाई नहीं भी डाल सकते हो। क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रखा है कि भाई यहाँ पर लिख रखा है ऑप्शनल है, जो दोस्तों आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज अगर भाई आप नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डाल सकते हो। जैसे कि दोस्तों मेरे केस में मैंने यहाँ पर डाल दिया है, मैंने यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन इनकम डाल दिया है और भाई यहाँ पर इनकम डाल दी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2,50,000 इनकम डाली है और अब भाई आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या डालना है आपको, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या करना है आपको, पिन कोड डालना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी आपका पूरा एड्रेस हो, जो भी आपका होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट फिल कर देना है। जो भी आपका स्टेट होगा वो डालना है, जो भी आपकी सिटी होगी वो डालना है और भाई सेव एंड एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन डाल दिए और भाई 2,50,000 रुपए की इनकम डाल दी है और भाई नीचे की साइड में प्रोसीड का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे भी आप क्लिक करोगे मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आप जिस भी बैंक अकाउंट में आप लेना चाहते हो, वैसे दोस्तों आपने यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर रखे होंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो दोस्तों आपने यहाँ पर ऑलरेडी फिल कर रखा होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 से 4 बैंक अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा लेना चाहते हो उसी बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे फर्स्ट टाइम में एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया। मैं दोस्तों अपना फेडरल बैंक में अपना पेमेंट लेना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप क्लिक करोगे जो भी आपका फाइनल स्टेप बचता है वो दोस्तों यहाँ पर बचता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन शो हो चुका है बैंक डिटेल का और भाई मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है। अब भाई जो मेरे पास में यहाँ पर फाइनल स्टेप बचता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फाइनल स्टेप बचता है लिंक यूवर बैंक अकाउंट टू सेटअप ऑटो EMI पेमेंट। यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, जो भी मेरी यहाँ पर EMI होती है वो दोस्तों यहाँ पर ऑटो डेबिट हो जाएगी। जिस भी बैंक अकाउंट में आप दोस्तों यहाँ पर पैसा लेना चाहते हो उसी बैंक अकाउंट से दोस्तों यहाँ पर एवरेज जो भी आपकी डेट मिलेगी, जो भी आपको तारीख मिलेगी, उस तारीख को दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक ये डिडक्ट हो जाएगी अगर भाई आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा तो। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, अगर भाई आपके पास में डेबिट कार्ड है तो भाई आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड से भी दोस्तों आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैं अभी यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की साइड में आप प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भाई मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है और भाई ये जो आपके यहाँ पर लिमिट होने वाली है
1,68,000 रुपये का दोस्तों आपका यहाँ पर लिमिट होने वाली है। भाई आपकी जो यहाँ पर एवरी मंथ जो आपकी यहाँ पर ईएमआई जाने वाली है, 5 तारीख को आपकी यहाँ पर ईएमआई जाने वाली है। जो भाई मेरा यहाँ पर टर्नओवर रहने वाला है 18 महीनों के लिए दोस्तों मेरा यहाँ पर टर्नओवर रहने वाला है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। भाई मैं उसको यहाँ पर डेबिट कार्ड से करने वाला हूँ, तो भाई यहाँ पर डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है और भाई प्रोसीड टू वेबसाइट लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना यहाँ पर डालना है, कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका यहाँ पर कार्ड नंबर होगा वो, एक्सपायरी डेट डालनी है, सीवीवी नंबर डालना है। जैसे ही डालोगे आप दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। भाई जैसे ही क्लिक करोगे आपके जो भी बैंक अकाउंट होगा उस पर दोस्तों जो भी नंबर लिंक होगा, जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर दोस्तों एक ओटीपी यहाँ पर सेंड किया जाएगा। ओटीपी भाई आप यहाँ पर वेरीफाई करते ही जो भी दोस्तों आपकी जो लिमिट होगी वो दोस्तों यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि दोस्तों आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर फाइनल स्टेप बचता है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर फाइनल स्टेप बचता है गेट लोन का, भाई मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। भाई बड़ा अमाउंट है, मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है और भाई नहीं मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों फाइनल स्टेप मेरे पास में यहाँ पर बचता है 1,50,000 रुपये का और भाई 1,68,000 रुपये की जो मेरी लिमिट है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी इंस्टेंट के इंस्टेंट। यहाँ पर दोस्तों 100% जेन्युइन लोन एप्लीकेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है। भाई मैंने बिल्कुल आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ बिल्कुल आपको करके दिखाया है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी यहाँ पर फेकबाजी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को जो लिमिट मिली हुई है 1,68,000 रुपये की, भाई मैं उसको अगर भाई अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहूँ तो भाई कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर लाइव प्रूफ बिल्कुल यहाँ पर करके दिखा दिया है, मेरे को यहाँ पर लोन मिल भी चुका है 1,68,000 रुपये का। अगर भाई आपको दोस्तों यहाँ पर अभी तक नहीं पता है कि भाई अगर आप यहाँ पर पेटीएम से लोन लेना चाहते हो, भाई आपको नहीं पता है तो भाई ऐसे करके दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, आपको दोस्तों 100% दोस्तों यहाँ से लोन मिलने के चांसेस रह जाते हैं। भाई जो लोन एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है पेटीएम लोन एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है, जो आपने पेटीएम यूज़ करते हो दोस्तों ऊँचे उसके ही दोस्तों नीचे की साइड में आपको ऑप्शन शो हो जाएगा लोन का, पर्सनल लोन का, वहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और भाई आपकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। जैसे इन्फॉर्मेशन डालोगे आपके पास में यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिट दोस्तों आपके पास में यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसी लिमिट शो होती है भाई उसको आप वेरिफिकेशन वेरीफाई करवा के अपनी जो भी आपकी KYC होती है उसको वेरीफाई करवा के दोस्तों जो भी आपको लिमिट मिलती है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। भाई ये लोन एप्लीकेशन मेरे को बहुत ही शानदार एप्लीकेशन लगी है, भाई एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए, हो सकता है कि आपको यहाँ से लोन मिल जाए। भाई ये वीडियो थी, मैंने आपको बता दिया कि पेटीएम लोन से मेरे को यहाँ पर इतने रुपए की लिमिट मिल चुकी है, दोस्तों आपको भी यहाँ पर मिल सकती है। एक बार दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करके जोर देखे, हो सकता है आपको यहाँ से लिमिट मिल जाए। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी, वीडियो से लाइक कीजिए। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय।